जो हमारे डियर सब्सक्राइबर्स हैं तो वो किसी और की वीडियो देखते हैं, तो उसमें वो मना कर देते हैं कि UPSC की भर्ती नहीं आएगी, और उनके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कि BA थर्ड ईयर वाले या BSc या BCom थर्ड ईयर वाले क्या फार्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अंदर जो है क्या क्या योग्यता रहेंगी, तो उसी की बात कर लेते हैं। और कुछ जो होते हैं मतलब कुछ ऐसा कमेंट करते हैं डर्टी कमेंट कि आप पहले खुद तो कुछ कर लीजिए, तो मैं इसलिए मैं थंबनेल में लिख देता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं किस डिपार्टमेंट में हूँ, किस पोस्ट पर, मैं पहले थंबनेल में लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे कि इस तरीके से कमेंट कोई ना करे, ठीक है। तो हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने कैरियर प्लस चैनल में। आज हम बात करेंगे जो है कि UPSC की टेंडर की प्रक्रिया वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो बहुत से वो कमेंट करते हैं और सीधी सी बात है, वो है जो है फ्रीडम है, जो इसकी सोच जो तुच्छ रहती है ना वही इस तरीके से कमेंट लिखते हैं, है ना। तो सीधी सी बात, आज हम बात करेंगे जो टेंडर प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले टेंडर प्रक्रिया जो है वो कहाँ तक पहुँची है। मैं आपको बता दूँ इसकी टेंडर प्रक्रिया जो है वो कम से कम अगस्त से चल रही है, ठीक है। जो अगस्त है, अगस्त तो अगस्त से जो है टेंडर प्रक्रिया चल रही है, अभी तक जो टेंडर नहीं हो पा रहा क्लियर, जो कई किन से कंपनी दे रही, फिर अगस्त के बाद फिर सितंबर आया, फिर अक्टूबर आया, है ना। अक्टूबर के सुनने में आया कि लास्ट तक जो है, अक्टूबर के लास्ट तक जो टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी और नवंबर के पहले सप्ताह में इसका विज्ञापन जो है देखने को मिल जाएगा UPSC का, ठीक है। ये लेट क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, उसकी हम बात कर लेंगे। कि एक तो होता है उपचुनाव, 28 तारीख के बाद जो है बिल्कुल एक्यूरेट जो है 28 अक्टूबर के बाद एक्यूरेट जो न्यूज़ आएगी कि इसमें आचार संहिता कुछ वगैरह लग जाती है अब नहीं लगती है, फिलहाल तो ये है कि उपचुनाव की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं। तो ये जो है भर्ती भी आपको इसी साल, इसमें लिखा हुआ इस साल भर्ती आएगी या नहीं आएगी, है ना, या फिर कितने पदों पर आएगी, 9000 के आसपास समथिंग रहेंगे, 10000 के आसपास पद रहेंगे इसमें, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ इस साल जो है भर्ती 100% ही आएगी, ठीक है, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मैं बात बता रहा हूँ 100%, ठीक है। और जो स्नातक पूरा होने चाहिए नहीं होना चाहिए, तो बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं स्नातक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं अगर फार्म अगर जैसे कि ग्रेजुएट वाले तो बहुत हैं, जो स्नातक करूँगे जो हैं वो बहुत हैंगे, सीधी सी बात, जिसका कंप्लीट हो जाता है ना स्नातक वही फार्म कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ UPTET की बात, जो UPTET में जो BEd के जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं या फिर BTC के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उन्हें मौका मिल जाता है बैठने का परीक्षा में, पर शर्त ये रहती है जब तक तुम्हारी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है मार्कशीट जारी हो जाने चाहिए, तो पता चले कि तुमने फार्म भर दिया SI के लिए, है ना, और मार्कशीट अभी आई नहीं है, एग्ज़ाम फाइनल भरे दे दियो हो और जो रिजल्ट अभी आया नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग हिसाब रहता है, कभी तो जैसे MJPR उलखंड है तो इसमें जल्दी आया था रिजल्ट, आपकी मेरठ यूनिवर्सिटी है और आगरा यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, तो ये क्या है थोड़ा सा मतलब एक आध महीने, दो महीने, चार महीने लेट इनका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है बस, अब सरकार को जब इसकी फ़ीस रहेगी कम से कम बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात आप देख रहे हैं विधानसभा के जो है कम से कम 1000 रुपये फ़ीस के आसपास है, ठीक है, 1000 रुपये, और जो 800 रुपये मतलब OBC ST वालों के लिए, SC और ST वालों के लिए है, है ना, ST हो गया और ये SC हो गया, इनके लिए 800 रुपये के आसपास है। तो सीधी बात है, आप भी जानते हैं कमाई रहती है, चाहे नौकरी हो या ना हो, फार्म तो सभी जने डालते हैं। अब टेट से देख 15-20 लाख फार्म पड़ता है, तो क्या नौकरी सबको मिलती, नहीं मिलती ना, तो पैसा तो चला गया। सीधी सी बात, अगर इस तरीके से अगर करना होगा तो जो है स्नातक वाले को भी, APEd वाले को भी फार्म भर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना होगा उनको, तो स्नातक वाले जो हैं वो फार्म इसमें जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, जो ये फाइनल वाले हैं केवल जिनने कंप्लीट कर रखा फाइनल वही कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्रा फार्म भर सकते हैं या नहीं, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर मनी अर्निंग करनी है, ठीक है, मनी अगर अर्निंग करनी है गवर्नमेंट को तो खैर कर देंगे, और ऐसा नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ UP जब टेट का जब विज्ञापन आता है तो फाइनल वाले जो होते हैं, फाइनल वाले जो होते हैं, तो इसमें जो एक तो होता है हमारे BEd वाले, ठीक है, और BTC खास तौर से दो ज़्यादा जानते हैं, BLED भी आता है ज़्यादातर, तो है ना, तो उसमें कह देते हैं कि फाइनल ईयर के छात्र जो है वो फार्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इस तरीके से इसमें लिख देते हैं, ठीक है, तो वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तो मतलब जो है टेंडर प्रक्रिया जो है अक्टूबर के लास्ट तक हो जाएगी कंप्लीट, और जो नवंबर में इसका आपको जो है भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, टेंडर प्रक्रिया जो है आपकी, टेंडर प्रक्रिया मान के चलो अक्टूबर में हो जाएगी और नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है आपको इसका जो है विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन जो होगा ना
नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो है मैं इस तरीके से जो मुझे जानकारी मिली है, उपचुनाव का थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है, मतलब कहीं कहीं पर जो है कहीं कहीं उपचुनाव चल रहे हैं, इससे मतलब होंगे यूपी में भी चल रहे हैं क्योंकि उनकी प्रक्रिया चल रही है इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा लेट चल गया मतलब मामला जो है, ठीक है। फिलहाल तो भर्ती आ जाएगी इसी साल जो है, और मैंने आपको सारी क्लियर कर दिया है। और फिर भी अगर मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मैंने तो आपको बताया दिया, थंबनेल में ऑलरेडी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस तरीके से कमेंट ना कीजिएगा, है ना। और जो है इसे संबंधित अगर कोई और जानकारी चाहिए तो बता दिया, और मैं ऐसे ही जो हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ, कौन सी इन्फॉर्मेशन कब आएगी और रिजल्ट अगर कोई भी आता है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।